वेलकम टू मैथेक्सिस आईसी क्लास टेन चैप्टर फाइव एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन फाइव का पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन फाइव के पार्ट फर्स्ट में दिया गया है कि ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट एक्स वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो हमें इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है सबसे पहले इसे हम क्या करें सबसे पहले इसको हम सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो देन ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड येगा सेम ए स्क्वायर प्लस वन एक्स ठीक है अब इन सभी नंबर्स को हम अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइन प्लस ए इक्वल टू जीरो ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है अब इससे हमें क्या करना है सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो इक्वल टू क्या दिया गया है ए बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया गया है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस वन और सी दिया गया है ए ठीक है तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ठीक है तो उस फार्मूला को यूज करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे तो डी की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ठीक है तो यहाँ बी की प्लेस पर क्या दिया है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस वन तो माइनस ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू ए इसका स्क्वायर करेंगे तो ए फोर प्लस वन माइनस प्लस टू ए स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस फोर ए स्क्वायर जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा ए फोर प्लस वन माइनस टू ए स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक है देखिए कैसे हुआ है तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे इस फार्मूले से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ये क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसी फार्मूले को यूज करके मैंने इसको कन्वर्ट करके नोट किया है ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर

प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू क्या आई है तो ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू इंटू में ए के प्लेस पे क्या दिया गया है तो ए दिया गया है ठीक है देन जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन क्योंकि रूट में कोई भी नंबर अगर टू टाइम्स लिखा गया है तो उसको हम बाहर एक बार लिखते हैं ठीक है हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए और सेकेंड नंबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए नेक्स्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा तो ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे तो टू ए स्क्वायर अपॉन टू ए और सेकेंड में आएगा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा टू से टू जब हम कैंसिल कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा ए यानी एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए आ गई और यहाँ पे सेकंड जो होगा यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बचे क्या यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचे क्या ए प्लस वन प्लस वन यानी कि टू अपॉइन टू ए यानी कि वन अपॉइन ए यानी एक्स इक्वल टू ए और होगा एक्स इक्वल टू वन ए क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट सेकेंड तो क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट सेकेंड में दिया गया है फाइव के पार्ट सेकेंड में दिया गया है कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये क्वालिटी क्वेश्चन हमें गिवन है इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल टू क्या है फोर गिवन है बी इक्वल टू कितना दिया गया है तो माइनस फोर ए दिया गया है और सी दिया गया है कितना स्क्वायर स्क्वायर माइनस ठीक है तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि फार्मूला क्या है टैक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले मैं क्या करूँगा सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूँगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ताकि जो हमारा क्वेश्चन है जब इसको हम सॉल्व करें तो थो थोड़ा इजी पड़े तो बी क्या दिया गया है माइनस फोर ए तो माइनस फोर ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इन टू ए के प्लेस पे फोर और सी दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है देन माइनस फोर ए का होल स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस फोर यानी सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सिक्सटीन ए स्क्वायर जब सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्सटीन ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बी स्क्वायर तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बचे है क्या सिक्सटीन बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई सिक्सटीन बी स्क्वायर ठीक है तो देन जब इसमें हम उससे दो जो कि दे रखा है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू ए अब इस फार्मुले में हम सभी डाटा को पुट करेंगे

अंडर रूट सिक्सटीन बी स्क्वायर जब हम रूट हटाएंगे तो क्या आएगा फोर बी अपॉन एट यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम अगर फोर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस माइनस बी अपॉन एट ठीक तो 4 8, है तो फोर से ये एट टू टाइम्स में कट जाएगा यानी कि एक्स इक्वल टू क्या आएगा तो ए प्लस माइनस बी बाई टू यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू और सेकेंड आंसर हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन टू तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन था थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट